कर्णावती यूनिवर्सिटी का शायद ये दूसरा तीसरा है। हाँ, मैं भी तीसरी बार आ रहा हूँ। यूथ पार्लियामेंट में आप सबका स्वागत करते हुए हमारे साथी और युवा मोर्चा के होनार अध्यक्ष मेरी टीम में रहे हुए जब मैं पार्टी का अध्यक्ष था, ऐसा हमारे ऋत्विक पटेल, सुनील देवधर जी, अतिशी मालेना, डॉक्टर दलबीर सिंह, सुपर्णा मोहित्रा, डॉक्टर भगवती प्रकाश शर्मा वीसी सब आमंत्रित भाई बहन और मेरे सामने बैठे हुए सब यूथ, कल से आप यहाँ यूथ पार्लियामेंट में अलग अलग सेशन में आप कुछ सीखने के लिए और कुछ पाने के लिए एकाग्रता से यहाँ बैठे हैं। आज शाम तक बैठने वाले हैं। आप सबका सबसे पहले शिक्षा मंत्री के नाते नरेंद्र भाई और अमित भाई के गुजरात में आपका स्वागत करता हूँ। आजादी का अमृत महोत्सव भी चल रहा है, नई एनईपी की बात भी यहाँ चल रही है, आत्मनिर्भर भारत, स्टैंडअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, नया भारत, श्रेष्ठ भारत, ये बातें हमने पहले बहुत सुनी थी। लेकिन नरेंद्र भाई के नेतृत्व में मैं उस पार्टी में से हूं, इसलिए नहीं बोल रहा हूं। आप पूर्वाद में जाएंगे तो पता चलेगा ये बातें, ये जो मेरे सामने यूथ है, वो यूथ अब देख रहा है कि वो सच में उसकी अमलवारी और उसका फल ये समाज में मिल रहा है, ये हमारी लीडरशिप है। एक नकारात्मकता, नेगेटिवनेस मैं मानता हूं कि यूथ में भी बहुत थी, 75 साल होने के बाद भी ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, हमारे भारत में ऐसा है, हमारे स्टेट में ऐसा है, हम पीछे हैं। मैं मानता हूं कि आज हमको लगता है कि नहीं, हमारा भारत भी वर्ल्ड लीडर है और बनने जा रहा है आगे भी। एक विश्वास का एटमोस्फियर, उसमें आप भी देखो, अभी कोरोना या एनीपी बात चल रही है, लेकिन फिर भी मेरे को लगता है कि कुछ चीजें आपके बीच रखनी चाहिए। जो भी स्थिति है, उस स्थिति में से क्या फायदा भारत को मिल सकता है, तो एक नई बात आई, आत्मनिर्भर भारत। हम अपने बूते पे कैसे बैठे हो और कैसे दुनिया को दिखाए, तो हमने, हमारे भारत ने, सभी ने, ऐसा नहीं कि कोई एक लीडर ही कुछ कर सकता है, लेकिन लीडर के साथ पूरा देश चलता है। तो हमने प्रतिपादित किया कि पूरे विश्व में आत्मनिर्भर बनके हम सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कैसे बन सकते हैं। ये रिकॉर्ड है, ये पार्लियामेंट में है, ये दुनिया में है, दुनिया की जो रैंकिंग सिस्टम है उसमें है, गुजरात में आए। दो तीन चीज का सबसे पहले मैं आपको न्योता भी देता हूं। मैंने हमारे परम मित्र ऋत्विक जी को बोला है कि आप यहाँ साइंस सिटी है, वर्ल्ड क्लास साइंस सिटी, यहाँ नरेंद्र भाई की विजन से अमित भाई ने यहाँ कार्यान्वयन कराई है, पास में ही आप आइए देखिए। पेंगुइन एक्वेटिक गैलरी, विज्ञान टेक्नोलॉजी ज्ञान, ये सबका समन्वय हम मानते हैं कि क्या है क्या है। मैं आपको बताता हूं कि एक बार आप साइंस सिटी, हमारा सीसीसी सेंटर पूरे भारत में नहीं है, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर प्राइमरी एजुकेशन, जो बात हो रही है प्राइमरी एजुकेशन में क्या है,
मैं ये डिग्निटीज को बोलता हूं कि आइए हमारा कमांड एंड कंट्रोल सेंटर देखिए, इस सिस्टम से हमारे प्राइमरी एजुकेशन में नरेंद्र भाई और भूपेंद्र भाई के नेतृत्व में हमने गुजरात में हमने कैसा चेंजेस किया। करीबन 4 लाख 3 से 3.5 से 4 लाख स्टूडेंट्स वो प्राइवेट स्कूल छोड़ के गवर्नमेंट स्कूल में अपना दाखिला करा चुके हैं 2-3 साल। मैं आपको बोलता हूं रैंडमली यहीं से आप जाइए आसपास कोई गवर्नमेंट की स्कूल होगी, आप देखिए जो जो स्टेट में से आए हैं, बाद में वहां भी जाइए और कंपेयर करिए हमारे टीचर्स, हमारी शिक्षा, हमारे स्टूडेंट्स, हमारी व्यवस्था। और आजकल की बात नहीं है, ये कोई 5-6 साल की बात नहीं है। ये मैं आपको नरेंद्र भाई जब यहाँ मुख्यमंत्री हुए 2001 से बाद में कितना बदलाव किया और कितनी सहूलतें वहां बढ़ी वो आप अपनी नजरे से देखिए और गुजरात और अन्य राज्य को कंपेयर करके आप वहां भी कुछ कराए, इसलिए मैं बोला हमने किया इसलिए नहीं बोला। यहाँ नया शिक्षा नीति की बात चल रही है, मैं जो कमांड कंट्रोल सेंटर बोल रहा हूं पूरे भारत में नहीं है, सब भारत के स्टेट के सेक्रेटरी स्टेट के मिनिस्टर क्या हो रहा है गुजरात में, कैसे एजुकेशन दी जा रही है वो देखने के लिए समझने के लिए अपने स्टेट में इंप्लीमेंटेशन करने के लिए देख रहे हैं, आ रहे हैं और इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं। नई एनईपी जरूरत क्यों पड़ी, 35 साल के बाद क्यों ये याद आया, मेरे सामने यूथ बैठे हैं, आपके मन में यह भी सवाल होना चाहिए कि हम क्यों पीछे रह गए। मैं मानता हूं कि नरेंद्र भाई ने देश में नेतृत्व तो लिया है, तो न मात्र नीति बनाते हैं, न मात्र योजना बनाते हैं, योजना और नीति का इंप्लीमेंटेशन कैसे हो सकता है वो 100% सोच के ही। और देश में बदलाव जो दिख रहा है वो बदलाव का कोई कारण है तो इच्छा शक्ति वाला नेतृत्व नरेंद्र भाई के रूप में हमको मिला है, इसलिए ये बदलाव हमको देखने को मिलता है। कई चीजें ऐसी है डायरेक्ट रूप से हम नहीं देख सकते, लेकिन एक नजरिया मैं आपको विनती करता हूं, एक नजरिया ऐसा भी हो कि सब चीजों को ऑब्जर्व करके हम देखें कि हमारे व्यवहार में हमारे समाज जीवन में हमारे एजुकेशन में पहले क्या था आज क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है कैसे हो रहा है उसके पीछे क्या कोई कारण है क्या है, तो आपको बदलाव दिखेगा। नहीं तो मैं किसी की टीका नहीं करना चाहता, लेकिन इतना अतिक्रमण बाहर से आ रहा है, इतना कुछ मिल रहा है, सोशल मीडिया में भी मिल रहा है, अन्य अन्य रूप से भी मिल रहा है, अपने अपने तरीके से लोग बातें रखते हैं उसमें भी मिल रहा है, तो कहीं हमारा दिमाग जहां जाना चाहिए था वहां जा रहा है क्या, जहां देखना था वहां देख रहा है क्या, जहां सोचना था वहां सोच रहा है क्या। हाँ, उसमें से आपको ऐसा मिले हो सकता है, लोकशाही है तो ऐसा नहीं है कि बस ये एंड हो गया, उसमें से भी कुछ लेके जैसे नरेंद्र भाई का नजरिया है भाई चलो हमने कुछ किया और किसी और सोच से हमको लगा कि ठीक करना है व्यवहारिक रूप से तो वो भी करने की तैयारी हम रखते हैं। लेकिन 35 साल में गुजराती मां में वो कहिए छे कि सोतेला सांप ने वो छंछेड़े नहीं, पर नरेंद्र भाई आ देश माटे ये सूतेली पड़ेली वस्तुओ जेने देश की जरूर छे एने छंछेड़ता नहीं, हाथ में लई हूँ साफ स्वरूपे नहीं कहते प्रश्न स्वरूपे कहू छू, हाथ में लई अने देश माटे केम आगळ वधाय ए माटे थी ना एनईपी हाथ में लीधी छे 35 वर्ष सुधी, 35 साल किसी ने उसको टच नहीं किया, गवर्नमेंट नहीं थी क्या, जरूरियात नहीं थी क्या, ग्लोबलाइजेशन में हमारे भी स्टूडेंट्स हमारे भी युवा
युवा को आज लग रहा है कि नहीं, आने वाला कल वो भारत का है, हमारा है, सबको स्कोप मिले, इसलिए ये नई एजुकेशन पॉलिसी। और ये पॉलिसी भी क्या, रुत्वी जी यहां बैठे हैं, कोई एक पार्टी की गौरव है, पॉलिसी बनाने में सब तज्ञ, सब विद्वान ऐसे ही नहीं बनी है, बहुत बैठे, बहुत मीटिंग हुई, बहुत बैठकें हुई, उसके बाद ये नई नीति बनी है। मेरे मन में आया और डाल दिया ऐसा नहीं है, इसका प्रमाण मैं आपको देता हूं। नई एजुकेशन पॉलिसी केंद्र सरकार तो भाजपा की है, नरेंद्र भाई भाजपा के लीडर, हालांकि वड़ाप्रधान वड़ाप्रधान होते हैं, लेकिन फिर भी जो नजरिया रहता है समाज जीवन और अन्य पॉलिटिकल पार्टी का, तो कहीं भी ये नई एजुकेशन पॉलिसी में किसी स्टेट में मैंने ऐसा नहीं सुना है कि नई एजुकेशन पॉलिसी ये अच्छी नहीं है, इसकी स्वीकृति वही नई एजुकेशन पॉलिसी का प्राण है। इस तरह से उसने सब बातों को सम्मिलित किया होगा। यहां मेरे पास भी एनईबी के बारे में हमारे सुनील देवधर जी बोलेंगे, अन्य भी स्पीकर से वो बताएंगे, लेकिन यहां मेरे सामने जो बैठे हुए युवा है वो सब हायर एजुकेशन में, हायर एजुकेशन में ये बदलाव, ये रिफॉर्म, नई शिक्षा नीति का क्या मायना रखता है, पुरानी जो व्यवस्था थी उससे बदल के मल्टी डिसिप्लिनरी शिक्षा, मैं मानता हूं कि डीप में जाने की उसकी जरूरत कम है, हमारे पसंद के सब्जेक्ट हमको मिले, हमको नहीं मिलता था, MHRD शिक्षा मंत्रालय बनेगा, एक बड़ा अम्ब्रेला बनेगा, उसके अंदर हालांकि अलग अलग स्टेट में अलग अलग स्थिति परिस्थिति को मापते हुए ये नया शिक्षा नीति सब अमलवारी करने वाले हैं। यहाँ किसी बच्चा आया था, शायद दूसरा युवा था विद्यार्थी, उसने बोला है कि 2 साल 3 साल उसमें एग्जिट और एंट्री जो सबसे बड़ा प्रश्न था हमारे युवा के लिए, विद्यार्थी के लिए, वो एग्जिट एंट्री भी मिल सकती है कई परिस्थिति के बस उसने छोड़ दिया, बाद में उसको आना है, तो हम जानते हैं कि कितनी विपरीत परिस्थिति विद्यार्थी के लिए थी, तो ऐसी स्थिति में वो एग्जिट और एंट्री भी कर सकेंगे, ग्रेडेड ऑटोनॉमी, शैक्षणिक मैनेजमेंट, आर्थिक स्वायत्तता पदवी, ये बहुविध जो आयाम है वो पदवी भी आप सबके लिए ये खुली रहेगी। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, मुझे पता नहीं कि कितने बच्चे ने, कितने युवाओं ने, कितने विद्यार्थी ने ये हमारे नई एनईपी में कितना चिंतन किया है, समझा है, लेकिन ये क्रेडिट युवा के भविष्य के लिए, शिक्षण के लिए बहुत बड़ा मायना रखने जा रही है। कंसर्ट टू गुजरात, हमारे KK शास्त्री सरकारी कॉलेज, उसमें हमने कैंपस में 6 कॉलेज का क्लस्टर बना के क्रेडिट ट्रांसफर, प्रोफेशनल एजुकेशन, टेक्नोलॉजी का उसमें सम्मिलित किया गया है, मल्टीपल एंट्री एग्जिट,
सक्षम बनाने के लिए हमने स्थापना यहां 2013 में, 2013 की बात कर रहा हूं, जब नरेंद्र भाई राजे के मुख्यमंत्री थे, सेक्शन 8 में कंपनी की बना के बकायदा शुरुआत भी हमने कर दी थी। आपको लगता है कि एजुकेशन पॉलिसी ये एक साथ जैसे कोई इनोग्रेशन होता है ऐसे होगा क्या? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है। आज भी हर राज्य में, गुजरात और हर राज्य में नई एनपी की जो जो परिकल्पना है, संकल्पना है, आयाम है, वो इंप्लीमेंटेशन हो गया है क्रम बाय क्रम, वन बाय वन। वो इंप्लीमेंटेशन स्टेज पे आगे भी जा चुका है, चाहे हायर एजुकेशन हो, चाहे प्राइमरी हो, चाहे माध्यमिक हो, जो प्री नर्सरी बोलते हैं, वो प्री नर्सरी उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। कोई शिक्षा में या शिक्षा मंत्रालय में उसकी मंजूरी नहीं लेने की जाने पड़ती है। फिर भी ये नई एनपी में बाल वाटिका के रूप में ये जो प्री एजुकेशन, और जिसको हम यहां बाल मंदिर बोलते हैं, आप प्री स्कूल बोलते होंगे, उसको सम्मिलित किया गया है प्राइमरी में। तो एक तरफ, एक नजरिए से देखे तो पैरेलल प्राइमरी से नीचे से पूरे हायर एजुकेशन तक, एक अम्ब्रेला मैंने जब बोला तो अम्ब्रेला के अंडर में ये सब हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी में। कई बार हम चर्चा करते हैं हमारी यूनिवर्सिटी रैंकिंग में आनी आई, पहले आया मेरू में इतना नंबर आया, मुझे बताने को बहुत प्रसन्नता होती है कि हमारे हरियाणा यूनिवर्सिटी की एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी, उसके स्पीकर्स 13-14 को यहाँ स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, जो नरेंद्र भाई ने एक नजरिया नजारा बनाया हमारा सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रति सम्मान के रूप में, वहां सिर्फ हमारी प्राइवेट और गवर्नमेंट की जो यूनिवर्सिटी है, कर्णावती यूनिवर्सिटी को भी न्योता मिला होगा, नहीं तो मैं देखे जाता हूं कैसे रैंकिंग सिस्टम में हम आगे बढ़े। क्योंकि आजकल के जो युवा है, विद्यार्थी है, वो देखते हैं कि यूनिवर्सिटी में रैंकिंग क्या है, कौन कौन से रैंकिंग में यूनिवर्सिटी है, तो मैं यहाँ दाखिला हूं। क्योंकि जो टैलेंट है, वो टैलेंट को भी उसकी टैलेंट आगे ले जाने के लिए, उसके एजुकेशन और कैरियर बनाने के लिए, उसका फ्यूचर वैश्विक स्तर का बनाने के लिए वो देखते रहते हैं। तो हमने तय किया है पूरा एक दिन का सेमिनार, वहां हो गया 6-6 स्पीकर्स, जो सबसे बड़े स्पीकर्स है, उसका कॉन्फ्रेंस, उसकी चर्चा पूरा दिन हम गुजरात में करने वाले हैं। क्योंकि आने वाले दिन में हमारी यूनिवर्सिटी भारत की सबसे रैंकिंग में कैसे आए, इंटरनेशनल रैंकिंग में कैसे आए, ऐसी भी व्यवस्था आने वाले दिनों में एक सेमिनार के रूप में और आगे बढ़ाने के लिए हम करने जा रहे हैं। हमने जो उच्च शिक्षा में फ्यूचर जो प्लानिंग किया है, 2-3 बात में रख के मेरी बात पूरी करने वाला हूं, क्योंकि कई स्पीकर, वैसे तो 10-15 मिनट ही दिया गया है, यहां आपके पास अपना विषय पूरी तरह से, सबको आजादी है अपना विचार रखने के लिए, लेकिन मैं बोलता हूं कि नजरिया सबका अलग अलग रहता है। आप भी अपने नजरिए से पूरी व्यवस्था, पूरी शिक्षा नीति, उसका इंप्लीमेंटेशन स्टेज हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसा करना चाहिए, वो भी आपके मन में जो जो भी विचार है, मैं गुजरात की ओर से बोलता हूं, भले पूरे देश में से आप आए हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि नया शिक्षा नीति में ऐसा करना चाहिए, अच्छा करने के लिए गुजरात गवर्नमेंट भूपेंद्र भाई के नेतृत्व में हम तैयार है, हमको कुछ दे के भी जाइए, हम उसका भी स्वागत करते हैं। ओपननेस जो हमारा विचार है पार्टी का, पार्टी की व्यवस्था का, गवर्नमेंट का, सभी जो नीतियां बननी है उसमें भी हम बोल रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं है, हम ही चला रहे हैं।
जन कल्याण के लिए है, जन आशीर्वाद के लिए है, जनता के लिए है, ये सब हम आने वाले दिनों में आपका भी कोई सजेशन हो, आपका भी कोई विचार हो तो हम उसमें बिल्कुल सम्मिलित करेंगे। हमने हालांकि 2040 तक की नीति है, अलग अलग स्टेट में, अलग अलग रूप में, अलग अलग परिस्थिति में अपने वातावरण में ये इंप्लीमेंटेशन का बोला गया है। स्टेट की जिम्मेदारी है कैसे आगे बढ़े, कब आगे बढ़े। हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी 5-6 को हमारा इंटरनेशनल वाइब्रेंट समिट जो हमारा हो रहा है 11-12-13 प्री वाइब्रेंट इवेंट इंटरनेशनल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस, करीबन 4,000 डेलीगेट्स देश और विदेश में से आने वाले हैं, उसमें धर्मेंद्र प्रधान जी आ रहे हैं, उसमें हम पूरी अपनी एजुकेशन पॉलिसी गुजरात की कैसे कहां कौन से साल में 2040 तक हम इंतजार करने वाले नहीं है। मैं आपको आश्वस्त करता हूं हमारे गुजरात के सब बच्चे और बाहर से भी गुजरात के स्टडी इन गुजरात, मुझको गर्व है कि हमारे गुजरात में अन्य देश के लोग, अन्य राज्य के लोग, यहां भी मैं कर्णावती में भी मैं जानता हूं कि बहुत से बाहर के विद्यार्थी ये हमारे गुजरात में पढ़ने के लिए, अपना कैरियर बनाने के लिए आते। क्यों आते? हमारे गुजरात की जो शिक्षा नीति है पहले से बनी हुई है, नई शिक्षा नीति से पहले सबसे ज्यादा अगर कोई पढ़ने के लिए बाहर के स्टेट के विद्यार्थी आते हैं तो मेरे यहां आते। तो हम करीब करीब 10 साल में ये पूरी एनईपी का इंप्लीमेंटेशन करने के लिए हमारा रोडमैप गुजरात सरकार ने तैयार करके रखा है। मैं आज नहीं बताऊंगा, लंबी नीति है लेकिन 10 साल में हमको करना है, कमिटमेंट के साथ करना है, डेडिकेशन के साथ करना है। हमारे जो युवा है, हमारे जो विद्यार्थी है, हमारे जो स्टूडेंट है, उसके जो ड्रीम है वो ड्रीम को पूरे करने के लिए गुजरात वो एजुकेशन हब बन चुका है और पूरे भारत की लीडरशिप लेने के लिए गुजरात तैयार है। हम नमो टैबलेट के रूप में नमो ऐप का नया अपग्रेडेशन करने के लिए भी आने वाले दिनों में जा रहे हैं। हमारा ये इंडस्ट्रीज हब है, इंटर्नशिप के लिए सब जो इंडस्ट्रीज है उसको साथ विचार विमर्श करके हमारे उद्योग साहसिक को कैसे युवा, कैसे स्टूडेंट वो चाहिए उसके साथ सम्मिलित करके हम पहले से ही उसके साथ एमओयू करने के लिए जा रहे हैं। एक डिजिटल मंच सब स्टूडेंट के क्रेडिट व्यवस्थापन करने के लिए, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट करने के लिए जा रहे हैं, ग्लोबल कैरियर एडमिशन काउंसिलिंग सेंटर, इंटरनेशनल फ्यूचर जो उसके पास है, अपॉर्चुनिटी है, उसके लिए एक केंद्र की स्थापना जहां से उसको कहीं विटमणा है उसका समाधान भी वहीं से मिले, ऐसे एनईपी के रूप में अभी करने जो जैसी चीज है वो करेंगे, बाद में मध्यम और बाद में लास्ट, ऐसे 10 साल में हम पूरी एनईपी ये हमारे राज्य में, हालांकि अभी भी प्राइमरी हो, माध्यमिक हो या हायर एजुकेशन हो, एनईपी की जो जो बातें हैं वो हम सम्मिलित करने के लिए कर चुके हैं और जो भी आने वाले दिनों में जरूरत है वो मैंने बोला रोड मैप तैयार करके हम करने के लिए जा रहे हैं। मैं आपको भी न्योता देता हूं, ये हमारी साइंस सिटी हो, सीसीसीएन सेंटर हो, हमारी प्राइमरी एजुकेशन की स्कूल, मैं बाद में अभी भी आपको अपील करता हूं फिर एक बार, यह बात हुई ना हाई प्राइमरी एजुकेशन, इतना बड़ा स्टेट, हमारे यहाँ 33,000 प्राइमरी स्कूल है, 33,000, कोई एक सिटी में बसने वाला राज्य नहीं है, अलग अलग प्रांत, अलग अलग प्रांत में भी अलग अलग
जो अपना अपना नजरिया रहता है, अपना अपना जो जोन रहता है, उस जोन में पैरेलल एजुकेशन देना, उसको आगे बढ़ाना, उसका फ्यूचर बढ़ाना, ये बतौर गुजरात राज्य ने नरेंद्र भाई के नेतृत्व में, भूपेंद्र भाई के नेतृत्व में जनता का आशीर्वाद से जो हमने किया है, आने वाले दिनों में भी एक बदलाव, बहुत बड़ा बदलाव हम आपको बताएंगे। और जो उम्मीद आप रखते हैं, उम्मीद पे हमारा गुजरात, हमारा देश, देश हमारा है, गुजरात भी हमारा नहीं, पूरा देश स्टेट सब है वो भी हमारा, आओ हमारे गुजरात में एजुकेशन लेके अपनी कैरियर नेशनल और इंटरनेशनल रूप में अपने जीवन में बनाओ, ऐसे मैं आपको न्योता देता हूँ। थैंक यू सो मच। मैं कर्णावती के सब वाकों का अभिनंदन और आभार करता हूँ। और ऐसे ही ये कार्यक्रम, ऐसे ही यूथ पार्लियामेंट, इसमें एक आत्मविश्वास का बड़ा बल मिलता है। मैं आपको बोलता हूँ, नकारात्मकता अपने मन से निकालो, नरेंद्र भाई के नेतृत्व में, वडाप्रधान के नेतृत्व में हमारी दुनिया इंतजार करे, आओ हम भारत को श्रेष्ठ भारत बनाने में अपना योगदान करें। थैंक यू सो मच।